यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल लोकेशन ऑफ स्टेट लाइन, ठीक है। तो एक होता है आपका, एक लाइन दी गई है ये वाली, ठीक है ठीक है। ये लाइन है आपकी ए एक्स, चलिए चलिए, तो इसको आप लिखोगे बी वाई इक्वल टू, या ऊपर से दिखा देते हैं आपको, चले ए एक्स ठीक है प्लस बी वाई सी इक्वल टू जीरो, बी वाई इक्वल टू माइनस ए ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, चले चले ठीक है। अब ये स्लोप हो गया आपका, ठीक है स्लोप आपका हो गया माइनस बी अपॉन ए अपॉन बी, और बाई इंटरसेप्ट सी इक्वल टू माइनस सी अपॉन वी, ठीक है। चले अब इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, आप ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है ये वाई, ठीक है। चलिए एक बार आप एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब x इक्वल टू जीरो करोगे तो y इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, और जब y इक्वल टू जीरो करोगे तो x माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपका x, ठीक है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, क्लियर हो गया। चले चले अब चले अब नॉर्मल फॉर्म पे आ जाओ, ए एक्स बी वाई सी, सी इक्वल टू, क्लियर हो गया, ये नॉर्मल फॉर्म आ गया आपका, ठीक है। ये एंगल है, ये अल्फा भी ले सकते हो, ये साइन बीटा है, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सिलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट स्टेट लाइन, स्टेट लाइन पे कोई सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू इस तरह से आप ले सकते हो पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, चले चले अब एक एग्जांपल पे आ जाते हैं। चले एक इक्वेशन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे a p की वैल्यू बतानी, ठीक है। चले थ्री एक्स थ्री वाई इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस थ्री एक्स थ्री वाई सेवन, ठीक है। थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर, क्लियर। माइनस थ्री, ठीक है। एटीन तो थ्री रूट टू, थ्री वाई कैंसिल कर लो,
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलिए, अब इसके बाद आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ठीक है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट दोनों लाइन का निकाल लेंगे। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट टू। ठीक है, ठीक है, अब इधर देखिए, ये दोनों लाइनें द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक और दो परपेंडिकुलर ये हो गए, तो बाई इक्वल टू सिक्स अपॉन सेवन, परपेंडिकुलर ले लो। सेवन अपॉन सिक्स, चलिए चल, अब दोनों का इंटरसेक्ट निकाल लो। 2x चले, तो मल्टीप्लाई का तो ऊपर 3 का नीचे 2 का। ठीक है, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 6x माइनस 9y 12 इक्वल टू जीरो, 6x 8y 10 इक्वल टू जीरो। चलिए, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू आ गया ट्वेंटी टू अपॉन सेवन टीन। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर लो तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस वन अपॉन सेवन। क्लियर हो गया, तो ये आपको पॉइंट मिल गया। क्लियर, स्लोप आपका है ही। चले चले, वाई माइनस चल, इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 13 पे आ जाते हैं। चले, अब द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑफ इंटरसेक्ट टू पॉइंट, इन दोनों से कर लो एंड इनफाइनाइट स्लोप। ठीक है, चले चले, तो आप
बेटा किसी बच्चे को किसी सवाल में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? इसको पॉइंट निकालो, इसको अभी निकाले थे। तो किसी बच्चे को किसी फाइव में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बेटा? टू बाई, चलिए लिखिए लिखिए शाबाश बेटा। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लो, या टू का मल्टीप्लाई कर लो। सिक्स टू फोर, प्लस कैंसिल हो गया ये, और ये माइनस, तो एक्स इक्वल टू थ्री आ गया। एक्स थ्री पुट कर, नाइन इलेवन बाई इक्वल टू इलेवन। चलिए इलेवन अपॉन इन्फिनिटी नस थ्री, तो ये इन्फिनिटी को क्या लिखोगे, वन अपॉन जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है, जीरो, ठीक है, क्लियर हुआ? सी आंसर। अब एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है, तो ये जो दो लाइन के बीच का जो नॉन पैरेलल लाइन, दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो होता है टेन थीटा एम वन एम टू। चलिए दो लाइन का एंगल निकालो, कॉलिनियर होंगी तो ये कंडीशन होगी, स्लोप इक्वल होगी, ठीक है, एम वन इक्वल टू माइनस वन। चले तो कोइंसाइड पैरेलल इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये जब क्वेश्चन होगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, चले तो 2x माइनस वाई माइनस 15 इक्वल टू जीरो, 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इनका स्लोप निकाल लो और स्लोप वाला ही फॉर्मूला लगा देना आप, ठीक है, वो भी कर सकते हो, जैसे अब स्लोप निकालो m1, m1 बाई 2, m2 माइनस 3, ठीक है, टेन थीटा माइनस थ्री माइनस टू वन प्लस, तो ये हो जाएगा एम वन प्लस एम वन एम टू 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 माइनस फाइव वन थीटा इक्वल टू 45, चले क्लियर हुआ? चले अब इस पे आ जाओ, टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू टू, ठीक है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल ही हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? तो 50 पैरेलल, चले 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 चले